आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न 4 और रॉन्ग टर्न के तीनों पार्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। तो यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें साल 1974 का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है और ये सैनिटोरियम कुछ डिफॉर्म लोगों के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर इन डिफॉर्म लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता था क्योंकि यह डिफॉर्म लोग अपने जन्म से ही अनबैलेंस हार्मोन और ब्रीडिंग के साथ दिखते थे और इनका बिहेवियर भी सामान्य लोगों से काफी अलग था, यानी कि ये किसी को भी मार कर पूरा खा सकते थे। इसके बाद हमें वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर एन को उनके पेशेंट्स के बारे में सारी बातें बता रहे थे। इसके बाद एक पागल लड़का पीछे से आता है और डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उसके बालों को अपने दरवाजे की ओर खींच लेता है, जिससे कि डॉक्टर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और आगे चलकर डॉक्टर ब्रेंडन उन्हें तीन लोगों से और मिलवाते हैं और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें जंगल से पकड़कर यहाँ पर लाया गया है, जिनका नाम फर्स्ट आई, सॉटूथ और थ्री फिंगर होता है। और डॉक्टर इन्हें सबसे डेंजर पेशेंट मानते हैं क्योंकि ये पेशेंट काफी अजीब काम कर चुके थे। और डॉक्टर बताते हैं कि ये आदमखोर इंसान है, इन्होंने अपने पेरेंट्स को ही जिंदा खा लिया था, इसी कारण इन्हें हॉस्पिटल में रखा गया क्योंकि इनमें से एक आदमी ने तो अपनी आंख ही निकाल कर खा ली थी और इसके बाद उसका नाम वन आई रखा गया और दूसरे ने अपनी उंगली खा ली थी इसलिए उसका नाम थ्री फिंगर, और तीसरा जो कि अपने दांतों को दीवार पर रगड़ता रहता है इसलिए उसका नाम सीधा सॉटूथ पड़ा। इसके बाद डॉक्टर एन उन सबके बारे में पूछती है और पूछती है कि ये सब इतना ज्यादा दर्द कैसे सहन कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर आगे के लिए निकल जाता है लेकिन तभी वही पेशेंट उस पिन के जरिए दरवाजे को खोल लेता है, लेकिन वह इतना चालाक नहीं था कि वह दरवाजे को खोल सके। तभी उस आदमी की पिन को दूसरा भाई देख लेता है और उससे पिन मांगने लगता है। तभी वह पागल लड़का उस पिन को उसकी ओर फेंक देता है। तभी उनमें से एक शातिर आदमी यानी थ्री फिंगर्स दरवाजे को खोल कर बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों भाई बाहर निकल कर काफी ज्यादा खुश थे और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरीके से चबा कर मार डाला था और वहाँ इनकी वजह से बहुत ज्यादा भगदड़ मच चुकी थी और वह सभी लोगों को काट काट कर फेंक रहे थे। इसके बाद सैनिटोरियम में लोगों की भगदड़ मच जाती है और सारे लोग पागल होकर इधर उधर भागने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसके बाद एक मुर्दा असलम बन जाता है। तभी थ्री फिंगर्स और उसके भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन पर लेटा देते हैं और उसके सिर पर हेलमेट पहना कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और वे तब तक ऐसा करते हैं जब तक उस डॉक्टर का सिर बुरी तरीके से उबल नहीं जाता। और ऐसे करते हुए डॉक्टर एन बुरी तरीके से तड़प रही थी और मर जाती है। इसके बाद डॉक्टर ब्रेंडन की बारी आती है। तभी वे डॉक्टर ब्रेंडन के हाथों को पूरी तरीके से काट देते हैं और उसकी भी खौफनाक मौत हो जाती है। तभी यह करते हुए 29 साल बीत जाते हैं और हमें 9 लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें वो 9 लोगों का ग्रुप अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रहा होता है और वे वहां जाते हुए अपना रास्ता बदल कर जाते हैं। इसमें थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत तेज बर्फीला तूफान आ जाता है जिससे बचने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है जो कि वही सैनिटोरियम होता है जिसमें कि डिफॉर्म लोगों को रखा गया था। और तभी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है और अंदर जाना उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। तभी वे लोग आराम से बैठने वाले तो नहीं थे इसलिए वे लोग सभी पार्टी करने की सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उनमें से कुछ लोग देखने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें बहुत सारी वाइन मिल जाती है। इसके बाद वे तीन लोग अंदर जाते हैं। तभी उन्हें यहाँ के पेशेंट्स की फाइल नजर आती है जिसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर पागल इंसानों को रखा हुआ था और वे डिफॉर्म लोग हद से ज्यादा पागल होते थे। तभी वे तीनों लोग बाहर से कुछ लोगों को अंदर लेकर आते हैं क्योंकि वह भी मुसीबत में फंसे हुए थे। तभी वे तीनों लड़के रात की लाइट का इंतजाम करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर कुछ ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उन तीनों लड़कों में से विल्सन के अंदर शाउट करने की आवाज आती है। तभी वे तीनों लड़कियां काफी डर जाती है और अंदर देखने के लिए जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो झुककर उन्हें डरा देता है जिससे वो लड़कियां काफी गुस्सा हो जाती है और वह भागने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों का पीछा कोई कर रहा होता है और उन्हें यह बात पता तक नहीं चलती। तभी विंसन अकेला ही जनरेटर झूड़ने के लिए जाता है और उस सेटर को अचानक से ऑन कर देता है। तभी लाइट आ जाती है और तभी उन लोगों का मानना था कि अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो आज रात को वे सभी लोग पार्टी करेंगे। इसके कारण लाइट आने पर सभी लोगों में जोश आ जाता है और वे रात भर वहाँ पर पार्टी करते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं होता कि उन लोगों के साथ कुछ होने वाला है और उन पर आखिर कौन नजर बनाए
रखे हुए हैं। सभी लोग पार्टी करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें फिल्म देखनी होती है और वहां पर प्रोजेक्टर पर फिल्म देखना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर डिफॉर्म लोग डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और इन तीनों भाइयों पर सबसे ज्यादा शोक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि मेरा भाई बताता था कि ये लोग बहुत ज्यादा बुरे होते थे और एक किसी को भी कच्चा चबाकर खा जाते थे, लेकिन सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो, ऐसी कुछ बातें नहीं होती और तुम सब लोगों को बोर कर रही हो। और वहां से आगे जाने के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन विंसन को नींद नहीं आ रही थी और वह इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है। तभी विंसन को आगे चलकर वह आदमी नजर आता है जिसको कि वह बाहर से अंदर लेकर आया था और वह उसको हाथ लगाता है। तभी अचानक से वह गिर जाता है क्योंकि वह मरा हुआ था और उसको देखकर वह एकदम शोक में पड़ जाता है। तभी विंसन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सोटूत खड़ा हुआ नजर आता है और उसके हाथ में एक आयरन रोड होती है और उस आयरन रोड को वह उसके मुंह के अंदर घुसा देता है जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वहां पर सुबह हो जाती है और तूफान भी अभी रुका नहीं था जिसके कारण उन लोगों को अभी तक यहीं रुकना था और सभी लोग एकदम चिंता में पड़ जाते हैं क्योंकि उनका सामान उन्हें नजर नहीं आ रहा था। तभी वे दोनों लड़कियां विंसन के बारे में पूछती है तो विंसन भी उन्हें कहीं नजर नहीं आता और विंसन को वो इधर उधर ढूंढने लगती है। इसके बाद उनमें से चार लोग विंसन को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें बेसमेंट में बहुत ही भयानक चीज दिखाई देती है, जैसे कि लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए औजार वहां पर रखे हुए थे और वो इलेक्ट्रिक मशीन भी वहां पर रखी होती है जिससे कि पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। तभी वह सभी आगे चलकर देखते हैं कि यहां तो डिफॉर्म लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था और वैसे ही वो आगे देखकर काफी डर जाते हैं। तभी आगे की तरफ देखते हैं कि यहां पर तो खून लगा हुआ है जिसको देखकर वह समझ जाते हैं कि यहां पर बहुत ही भयानक घटना घटी होती है। इसके बाद उनमें से एक लड़की जैना अपनी अलग डायरेक्शन में चली जाती है और वह देखती है कि शोटूथ किसी के टुकड़े कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर्स आता है और उन दो लड़कों को मार देता है और उन्हें वहां से लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद जैना अब काफी डर चुकी थी और वह अब समझ चुकी थी कि अब वह खतरे में है और उन लोगों की वहां पर जान जाने वाली है। इसके बाद उसके सामने कपड़े में कुछ सामान गिरता है और वह उसे खोल कर देखती है तो तभी उसमें लड़की का कटा हुआ सिर होता है और वह इसे देख कर डर जाते हैं। तभी उन तीनों भाइयों में से एक कैरा पर चैन फेंकता है और उस चैन में उसका गला उलझा लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वह पूरा का पूरा कायरा के खून से सना होता है और वह उस चैन को वापस खींचने में नाकामयाब होता है, जिसके बाद वे तीनों भाई जबरदस्ती उस चैन को खींचते हैं और कायरा का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों उसके टुकड़े टुकड़े करके वहां से नीचे फेंक देते हैं। तभी सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि पागल लोगों ने उनके स्पार्क प्लग निकाल लिए थे जिसके कारण वह अब चल नहीं सकती थी। तभी लोरेन उनको बताती है कि उसे स्कीइंग करना काफी अच्छे तरीके से आता है और वह स्कीइंग करके बर्फ में आगे की ओर जा सकते हैं और तुम्हारे लिए मदद लेकर आएगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था और उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। तभी वह लोग ऊपर की ओर एक कैबिन को देखते हैं जहाँ पर वे अपने आप को रखकर लोग करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा खतरा होता है क्योंकि वे डिफॉर्म लोग वहां पर कभी भी आ सकते थे और उन्हें मार सकते थे। इसके बाद वे किसी न किसी तरीके से इंचार्ज ऑफिस पर भाग के जाते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से अंदर लॉक कर लेते हैं। हालांकि उनके पास वेपन्स तो नहीं थे जिनसे कि वो डिफॉर्म लोगों को मार सके या फिर उनका सामना कर सके। तभी उनमें से दो लड़कियां नीचे बेसमेंट में जाती है और कुछ औजार लेकर ऊपर आने वाली होती है कि थ्री फिंगर्स आकर वहां उनका पीछा करने लगता है जिससे कि वे भागने लगती है। तभी उनमें से एक लड़की अंदर औजार लेकर आ जाती है और दूसरी लड़की वहां से बचकर ऊपर चली जाती है और वह इंचार्ज ऑफिस में कॉल करने लगती है और कॉल करते हुए वह एक लड़की को पकड़ लेता है। तभी वह दूसरी लड़की उसे बचाने के लिए उसके हाथ में चाकू मारती है जिसके कारण वह उसे छोड़ देता है। तभी वह सब वहां से डरकर बेसमेंट में चले जाते हैं और इनमें सबसे पीछे कीनिया होती है और तभी उसके पीछे सोटूथ पड़ जाता है और उसे आखिर में किसी न किसी तरीके से पकड़ लेता है और पकड़कर उसे किचन में बांध कर ले जाता है। तभी उसके बाकी दोस्त काइली और सारा और उसके दोस्त सभी ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो डैनियल गायब मिलता है। बेशक डैनियल को गायब देखकर वे काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसके बाद वे सब लोग खिड़की में देखते हैं कि इन तीनों भाइयों ने डैनियल को बेड पर लेटा रखा था और उसके शरीर पर चाकू से निशान कर रहे थे। तभी वे देखते हैं कि उसको पूरे तरीके से काट देते हैं और इसको दिल के बाहर निकाल लेते हैं और खा जाते हैं और ये खौफनाक मंजर देखकर वे डर जाते हैं और ये लोग इतने भयानक हो सकते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे जिंदा आदमी को खा सकते हैं। तभी वे सभी लोग एक प्लान बनाते हैं। अब डैनियल तो मर चुका था, इसके बाद वे सोचते हैं कि वे तीनों को कमरे में बंद करके मार डालेंगे
इसके बाद वे तीनों उसी सेल में बंद हो जाते हैं जिसमें कि 29 साल पहले वे बंद थे। इसके बाद वे सोचते हैं कि इन तीनों को जलाकर हम मार डालेंगे। तभी काले की इंसानियत जाग जाती है और उन पर वो रहम खाती है और कहती है कि ये लोग बड़े ही मासूम है और शायद इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए। तभी वह उस व्यक्ति को वहाँ पर पहरा देने के लिए कहती है और वहाँ खुद चली जाती है। इसके बाद वे तीनों डिफॉर्म लोग वही कमरे में बंद थे और वहाँ पर पिन पड़ी होती है जिससे कि उन्होंने 29 साल पहले वो दरवाजा खोला था। और तभी थ्री फिंगर्स अपना दिमाग चलाता है और आराम से उस पिन को उठाता है और दरवाजा खोलने लगता है और वह उस दरवाजे को खोल लेता है और बाहर आकर सोटूथ को पिन पकड़ा देता है और वह उसे पूरी तरीके से मारता है। इसके बाद हमें केनिया को दिखाया जाता है जो कि कायली को ढूंढते ढूंढते बाहर आ चुकी थी। तभी अचानक से जनरेटर बंद हो जाता है और पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है, जिसे देखकर केनिया बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। इसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि वह तीनों लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और तभी कायली अपने दोस्तों को ये बात बताने के लिए वापस आती है। तभी दरवाजे पर देखती है कि वह आदमी उन्हें वहां पर बुला रहा है और उसका फेस पूरी तरीके से ढका हुआ है। तभी उस आदमी को वह लोग आगे फेंक देते हैं और वह देखते हैं कि यह बदमाश होता है। और तभी वे तीनों लड़कियां अपने हाथ को में चाकू लेकर उसे मारने लगती है और इसके बाद वो लोग देखते हैं कि यह तो कायली था जिसकी जुबान काट कर फेंक दी गई थी और वह पूरी तरीके से अब मर चुका था। इसके बाद वे तीनों लड़कियां वहां से भागने लगती है और इसके पीछे तीनों भाई बुरी तरीके से पड़ चुके थे और वह उन्हें मारने वाले ही थे। तभी वे तीनों लड़के एक कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर वे खिड़कियों से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यह सेनेटोरियम था जिसकी सारी खिड़कियां पूरी तरीके से लॉक थी। तभी वे लड़कियां देखती है कि एक खिड़की टूटी हुई है और वहां पर काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई है जिसके कारण वहां पर रास्ता बनाना काफी आसान लगता है। तभी बाहर से थ्री फिंगर दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन वह मौके पर नाकामयाब होता है। लेकिन इसके बाद वहां पर शोटूथ आ जाता है और वह दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वे तीनों लड़कियां बर्फ से रास्ता बनाकर बाहर निकल आती है और उनमें से दो लड़कियां बाहर निकल चुकी होती है लेकिन तीसरी लड़की जैना अब बर्फ में फंस जाती है। इसके बाद शोटूथ अपनी मशीन के जरिए जैना के अंदर बहुत सारे छेद कर देता है और वह उसे मार देता है और वह दो लड़कियां वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वे तीनों भाई उनका पीछा करने लगते हैं। तभी शोटूथ उनमें से एक लड़की को पकड़ लेता है और वह उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन वह लड़की अपने हाथ में चाकू लिए होती है और वह उस पर हमला कर देती है जिसके कारण वह उसे छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि लोरेन बर्फ को सहन नहीं कर पाती और वह अचानक से दम तोड़ देती है। तभी हमें आगे चलकर मेन रोड दिखाया जाता है जहाँ पर तूफान की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर केनिया और सारा ही बची थी और वे दोनों लड़कियां वहां से भाग रही होती है और उनके पीछे वन आई पड़ा हुआ होता है। तभी वे सोचती है कि ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला। तभी वो प्लान बनाते हैं कि सारा वन आई पर एक हथियार से वार कर देती है जिससे कि वन आई नीचे गिर जाता है और वह मोटर बोट लेकर वहां से भागने लगते हैं। तभी वह बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके सामने नुकीले तार नजर आते हैं और वह स्नो मोटर को बहुत तेज चलाती है जिसके कारण आगे चलकर उसका सिर अलग हो जाता है, जिसके बाद हमें सोटूथ नजर आता है और जिसके बाद वो उसके सर को लेकर वहां से निकल जाता है और उसका शरीर वहीं पर पड़े हुए होता है। इसके बाद मूवी हमें यहीं खत्म दिखाई जाती है और उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।